हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अपना क्वारंटाइन और लॉकडाउन पीरियड एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे और साथ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे क्योंकि उनके कभी भी एग्ज़ाम्स आ सकते हैं। तो अपने आप को उसके लिए तैयार रखिए, जून के स्टार्टिंग में या जून के एंड में। और वैसे ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज मैंने इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन का एक टॉपिक लिया है। कम्युनिकेशन थ्योरी में से एक थ्योरी है स्पायरल ऑफ साइलेंस। स्पायरल ऑफ साइलेंस स्टूडेंट्स, आपको नाम से थोड़ा बहुत शायद पता चल रहा हो, शायद नहीं भी पता चल रहा हो, बट कोई नहीं, हम हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी जो है वो दी थी एलिजाबेथ नोएले न्यूमैन ने। और एलिजाबेथ नोएले न्यूमैन ने ये थ्योरी 1984 में दी थी और ये जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी। उसके साथ साथ ही ये 1947 में न्यूमैन एंड हर हस्बैंड ने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो जर्मन में थी एंड शी वॉज अ प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। और ये तकरीबन 1978 से 1980 तक उसकी प्रेजिडेंट रही थी। मैंने क्या नाम बताया, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। इस स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूमैन इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि ज्यूज का स्टेटस कैसा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। और उस टाइम पे जो ज्यूज थे वो अंडर कंट्रोल थे नाजीज थे। यहाँ पर एडोल्फ हिटलर डोमिनेट कर रहे थे पूरी सोसाइटी को और माइनॉरिटी ज्यूज जो थे वो बहुत साइलेंट हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्हें फियर था आइसोलेशन का और सेपरेशन का। बेसिकली ये थ्योरी जो है वो ये बताना चाह रही है कि किस तरीके से एक माइनॉरिटी बिल्कुल साइलेंट हो जा रही है। पब्लिक ओपिनियन प्रिवेलिंग जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसमें जो मेजॉरिटी होती है वो तो अपने जो भी चल रहा होता है उसे एग्री कर जाती है, लेकिन एक माइनॉरिटी जो है परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी की वजह से अपने व्यू पॉइंट को वो सबके सामने नहीं रख पाती। और इसके कारण क्या होता है कि वो साइलेंट होती चली जाती है और वो नहीं बोल पाती किसी से अपनी जो भी बातें वो कहना चाहती है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इस डायग्राम को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिवेलिंग पब्लिक ओपिनियन है, मेजॉरिटी का एक अपना ओपिनियन है, लेकिन एक माइनॉरिटी जो है उस परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी की वजह से वो बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है। लास्ट में आप देखो कि मेजॉरिटी वाला जो पार्ट है, जो वाइडर पार्ट है, वो मेजॉरिटी को डिनोट कर रहा है और जो नीचे जो है आप देख रहे हो जो स्पायरल नीचे बिल्कुल एकदम छोटा सा हो जाता है वो स्पायरल ऑफ साइलेंस है। बिल्कुल साइलेंस हो जाते हैं। वो साइलेंस क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे हैव फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ आइसोलेशन और फियर ऑफ ट्रांसफर है और विड्रोवल की का फियर है कि उन्हें लैक ऑफ सपोर्ट मिलेगा, इसका फियर है। तो इस तरह के फियर है। सपोज कोई स्टूडेंट है क्लास में, मैथ्स टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रिग्नोमेट्री का एक सम नहीं समझ में आया। उन्हें बाकी समझ में आया लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूलाज या किसी भी चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या होगा, एक मेजॉरिटी को समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को वो टीचर का नहीं समझ पा रहे कि आखिर चल क्या रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो माइनॉरिटी है इस डर से कि कहीं पूरी क्लास में कोई ये ना समझे तो बिल्कुल ही डल है, ये डफर है या और हो सकता है उसकी हंसी उड़े पूरी क्लास में, तो वो उस फियर की वजह से वो फियर ऑफ आइसोलेशन भी है, फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, तो वो मैम से नहीं पूछता सवाल। तो वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो एग्जांपल्स। और ये इस तरह की सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है, मेरी में भी आई है, आप लोगों की में भी आई होगी। कहीं ना कहीं हमें एक फियर होता है कि हम अपने आप को वी हैव विलिंगनेस टू स्पीक आउट लेकिन हम बोल नहीं पाते, हम चुप हो जाते हैं किसी ना किसी फियर की वजह से, ठीक है। जैसे अब एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज किसी डायरेक्टर ने या मैनेजिंग डायरेक्टर ने, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को किसी रूल्स रेगुलेशन में बांध रखा है कोई, या फिर एक नए रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं, एक मेजॉरिटी उससे एग्री कर जाती है, लेकिन वहीं दूसरी मेजॉरिटी एक दूसरी माइनॉरिटी का एक ऐसा पार्ट होता है वहीं उसी रूल्स को लेकर उससे ऑब्जेक्शन होता है, वो एग्री नहीं करता, लेकिन फियर ऑफ आइसोलेशन रिजेक्शन, फियर ऑफ कि मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे जॉब से निकाल देंगे, मेरा ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो वो बोल नहीं पाता है। तो यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि वो क्यों नहीं बोल पा रहा है। वो इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसे फियर है
उसे आइसोलेशन का फियर है, उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका रिजेक्शन हो जाएगा, उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल पाता और चुप हो जाता है। तो बेसिकली ये स्पायरल ऑफ साइलेंस थियोरी भी ना यही कहना चाह रही है। तो ये बेसिकली क्या रिलेशनशिप शो कर रही है, ये रिलेशनशिप को शो कर रही है मेजॉरिटी पीपल्स के व्यू पॉइंट का, माइनॉरिटी पीपल के व्यू पॉइंट का, और वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो ये बताना चाह रही है ये थियोरी। तो ये थियोरी के अगर एक फीचर की बात करें तो ये डायनेमिक है, डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें ये मैक्रो और माइक्रो लेवल पे काम करती है, और इसका जो मेनली जो एडवांटेज है तो वो तो यही है कि ये माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है, और इट वर्क्स वेल ड्यूरिंग द कैंपेन, सीनेट और पार्लियामेंट में बहुत अच्छा काम करती है ये। नेक्स्ट है इट, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जितना मैंने समझाया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा स्पायरल ऑफ साइलेंस थियोरी क्या होती है, इसको लाने वाला कौन था, आप सबको समझ में आएगा। बट एक बार रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं, 1984 में आई थी, इसको लाने वाली एक लेडी थी जिसका नाम एलिजाबेथ नॉयले न्यूमैन था, ये 1984 में आई थी, और उस टाइम पे जो ये लेडी है प्रेजिडेंट हुआ करती थी, किसकी प्रेजिडेंट हुआ करती थी, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की 1978 से 1980 तक, और इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलकर पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन खोली थी जर्मन में ही। ये बेसिकली ज्यूज स्टेटस को इस थ्योरी में के थ्रू बताना चाह रही थी कि किस तरह का स्टेटस है वहाँ के लोगों को, हिटलर की वजह से वो किस तरीके से शांत रहते हैं, और वो डर किस चीज़ का है, आइसोलेशन का, और हिटलर का डर है उन्हें। तो बेसिकली ये थ्योरी स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी आप लोग को समझ में आ गई होगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माई ई मेल आई डी, एंड माई ई मेल आई डी इज rachnakasana121@gmail.com। सो स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।